चौक ऑफिस नहीं आई क्या? सर मैंने उन्हें कॉल्स किए पर वो पिक नहीं कर रही। पिक नहीं कर रही थी? हद होती है गैर जिम्मेदारी की। ये कोई तरीका है? उसे पता नहीं है कि आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहीद इंडस्ट्रीज के ओनर से, उसे प्रेजेंटेशन देनी थी। सर उन्हें याद है, बल्कि वो तो कब से तैयारी कर रही थी इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? सर आप गुस्सा ना हो, मैं उन्हें दोबारा कॉल करके पूछती हूँ। आप उन्हें अभी कॉल करें, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। And you better even know that. Yes, sir. दोबारा कॉल करके बताओ उसको, बोलो कि अब अगर वो 10 मिनट में ऑफिस नहीं पहुंची तो वो अपनी जॉब को खत्म समझे। हद होती है। हेलो इरा, आइए आइए भाई, तशरीफ ले आइए। ये भैया यहाँ यहाँ रख दीजिए, आ जाए आ जाए यहाँ। ये आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। अरे इरा इरा बेटा, देखो कौन आया है। जी आई चाचा जान। अरे आप कैसी हैं आप आंटी? आप तो फोन करके तो आती कम से कम। बस सरप्राइज देना चाह रही थी आपको। क्यों अच्छा नहीं लगा? अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आपको पता है शहीद सर को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिलने खुद आऊँ, बस फिर वक्त ही नहीं मिला, ऑफिस में इतनी बिजी रही। लेकिन अच्छा किया कि आप आ गई। चाचा जान ये वही है जहाँ आ रहा आंटी, जिन्होंने उस दिन मुझे शादी पर ड्रॉप किया था, आपको बताया था ना मैंने। हाँ बेटा, अभी अभी इन्होंने बताया कि तुम्हारी कंपनी जिसमें तुम काम करती हो और शहीद अहमद की कंपनी में मर्जर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग प्लीज बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज प्लीज। आपका जो दिल चाहे आप कह सकते हैं, बस इनकार मत कीजिएगा क्योंकि इरा हमारे शहीद की दिल की खुशी है और उनकी ये खुशी मैं हर सूरत पूरा करना चाहती हूँ। आपके जो भी तहफ़ुज़ात हैं आप बता सकते हैं हमें। चुप कर जाओ, चुप रहो, जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मेरी बीवी बहुत बदज़बान है, मैं माफी मांगता हूं उसकी तरफ से। मुझे यकीन है आपने बुरा तो नहीं माना। अरे आप कैसी बातें कर, हमने बिल्कुल बुरा नहीं माना, इसलिए कि वो तो हमें जानती नहीं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आपकी हाँ का इंतज़ार रहेगा। जीती रहो बेटा, ख्याल रखना, चलते हैं। लोग इस तरह अचानक हमारी आमद पर हैरान तो होंगे, हमने तो शहीर से कहा था कि इरा को फ़ोन कर लें लेकिन वो मानी नहीं। कोई बात नहीं जी, आपका अपना घर है, जब आप चाहते हैं आप आ जाएगा। बस इसीलिए आपसे कुछ मांगने चले आए। जी मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। अगर आप हामिद अली साहब हैं तो हमें आपसे ही मिलना है। जी मैं ही हामिद अली हूँ। मैं जहाँ आ रहा, शहीद अहमद की दादी। मुनासिब होता अगर हम घर के अंदर चल के बात करते। जी जी ज़रूर, आइए प्लीज आइए।
आई संभाल के, ओए आपको चोट तो नहीं लगी? अरे देखिए कितनी गहरी चोट है, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। ठीक हूं मैं। आपको मोच आई हुई है, आप कैसे जाएंगी? आइए, मेरा घर वहां सामने है, मैं चली जाऊंगी। आप सजल की कजन है ना, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। मैंने आपसे कहा ना आप जाइए, आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इस बेटी ने जमाने में मेरा नाम जो रोशन किया है, मुबारकबादियां वसूल कर रहा था, इसलिए देर हुई है मुझे। चाचा जान, अब क्या पूरे मोहल्ले वालों को सुनाएंगे? अरे सुन ले मोहल्ले वाले, क्या रह गया है, इज्जत तो खाक में मिल गई है, और तुम सारी जिंदगी इसको बुरा भला कहती रही। वो सारा वक्त अगर तुम अपनी बेटी की तरबियत में डालती ना, तो आज ये वक्त ही देखना पड़ता मुझे। मुझे माफ कर, घर से कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम चल लिया अम्मी को तुम्हारे जो नाम रोशन किया ना तुम्हारी बेटी ने, उसकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था, देर तो लगनी थी ना। चाचा जान, अब क्या आप पूरे मोहल्ले को सुनाएंगे? बस कर दें प्लीज। मुझे माफ कर दें, आइंदा कभी नहीं करूंगी इसको। अम्मी, अब मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी प्लीज। ऐसा कौन सा मुल्क सा हो गया जो इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया? क्या वाकई? हाँ ना, तुम्हें पता बॉस ने क्या कहा? डुगारी साहब के ऑफिस में पता नहीं कोई बहुत ही नेक इंसान था जो बैठा हुआ था, कोई शहीर अहमद इंडस्ट्रीज का सीईओ था। तो तुमने उन्हें देखा नहीं था क्या? अब इतने सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे क्या पता कि वो कौन से थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? मुझे और